भूल भुलैया 3 धमाकेदार ओपनिंग के साथ खुली थी। इसके बाद फिल्म ने पहले वीकेंड पर सॉलिड कलेक्शन दर्ज किया। वीकेंड तक सब चंगा सी, लेकिन केमिस्ट्री लैब की तरह हर फिल्म का भी एक लिटमस टेस्ट होता है। शास्त्रों में इसे मंडे टेस्ट का नाम दिया गया है। कई बड़ी फिल्में इस दिन आकर बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक देती हैं। एक हालिया बड़ा उदाहरण है प्रभास की आदिपुरुष। फिल्म को 86 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी। इसके बाद पहले मंडे की कमाई गिरकर सीधा 16 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। भूल भुलैया 3 की कमाई में भी पहले मंडे को गिरावट देखने को मिली है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिक के मुताबिक भूल भुलैया 3 ने पहले दिन 35.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अगले दिन ये नंबर 37 करोड़ रुपए पर पहुंचा। तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 33.5 करोड़ रुपए जोड़े। वीकेंड पर फिल्म को खूब फायदा मिला। हालांकि पहले सोमवार फिल्म की कमाई में करीब 46% का ड्रॉप आया। फिल्म ने 4 नवंबर को 18 करोड़ रुपए जोड़े। वीकेंड की तुलना में ये भले ही कमजोर आंकड़ा है, मगर इससे फिल्म की कमाई पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह है कि ऑडियंस से फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोई बड़ी रिलीज कतार में नहीं खड़ी है। 5 दिसंबर को उतरने वाली पुष्पा 2 अगली बड़ी रिलीज है। उससे पहले भूल भुलैया 3 के पास अच्छा खासा कलेक्शन करने का वक्त रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर निर्विरोध चलती रहेगी। इसी के साथ रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम अगेन भी रिलीज हुई थी, उसे भी अच्छी ओपनिंग मिली। वीकेंड कलेक्शन में भी अच्छे नंबर दर्ज किए गए। रिलीज से पहले दोनों फिल्मों के बीच स्क्रीन को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही फिल्में पैसा बना रही हैं। आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। ये कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। अपने पहले वीकेंड की कमाई से ये पहले ही भूल भुलैया 2 को पीछे छोड़ चुकी है। फिलहाल कार्तिक की सबसे कमाऊ फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी है। अगर भूल भुलैया 3 इसी स्पीड से कमाई करती रही तो ये सोनू के टीटू की स्वीटी को भी पीछे छोड़ देगी। इस खबर को लिखा था मेरे साथी यमन ने। मैं हूं शिवानी। बाकी सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।